बच्चा मेरे जैसा ही होगा ना कोई जैसा। आज गाइस चेतन भी आया जिम में, कैसा लग रहा है भाई? आज का फर्स्ट डे है कूद कूद के चलो। अरे गया गया सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। एंड गाइज, आज के व्लॉग में वापस आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आपने पिछले व्लॉग में देखा तो हम वाटर पार्क गए थे सहजदारा के, बट आज के व्लॉग में हम जाएंगे गुच्छू पानी। एंड गुच्छू पानी कहाँ है गाइज? वो है देहरादून उत्तराखंड के अंदर, जहाँ उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है रोवर्स केव। गुच्छू पानी के अंदर है रोवर्स केव, ठीक है गाइज। एंड आज हम वहीं जाने वाले हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हम अगले एक दो हफ्ते जहाँ भी घूमेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे टाइम, एंड अपनी फैमिली के साथ ही घूमूंगा। सो अभी चलते हैं जल्दी से पापा मम्मी के पास एंड पूछते हैं कि कितनी देर में निकलना है। गाइज, अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं चारों, एंड अभी निकलते हैं सीधा गुच्छू पानी के लिए। एंड चलो, कैसे टूट गई है गाइस, मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ रहा है यार, स्कूटी की चाबी ले जाने भूल गए, अब वापस ऊपर जाऊंगा। हेलो गाइस, ये देखो सस्ता यूट्यूबर, पता नहीं कहाँ जाने वाला है। अभी नीचे गए थे, फिर से ऊपर आ गए भाई चाबी लेने आओ। गाइस देख रहे बच्चे भी बेइज्जती कर रहे। भाई क्या चाहता है तू? मैं क्या चाहता था? मैं चाहता हूँ क्या बेइज्जती हो, देखा सस्ते यूट्यूबर को भाई इज्जती नहीं है यार हमारी। चल चल, मेरे को जाने लेट हो रहा है। चल हाँ हाँ जाता। एंड यस गाइस, यार अभी है ना मैं और मम्मी एक साथ गुच्छू पानी आ रहे हैं, एंड पापा और भाई पीछे आ रहे हैं। सो गाइस, ये है गुच्छू पानी चौक। एंड गाइस, ये है ना आर्मी एरिया के बहुत पास पड़ता है। एंड अब ये गुच्छू पानी चौक से ना हमें कुछ नहीं, सीधा यहाँ से लेफ्ट लेना, एंड वहाँ से सीधा रोवर्स केव की साइड। तो अभी हमने लेफ्ट ले लिया, एंड यहाँ से हमें जाना है नीचे की साइड। सो गाइस देखो, हमने उसे ना पैदल पैदल भाग रहे हैं सूर्य यहाँ से देखो। सो गाइस, अभी है ना हम रोवर्स केव है गुच्छू पानी में, रोवर्स केव है ना जहाँ हम घूमने आए हैं वहाँ चुके हैं। एंड अगर आप मेरे सामने देखोगे ना तो बहुत बढ़िया गेट बना रखा है इन्होंने, एंड वहाँ से काउंटर से हमें टिकट लेनी पड़ेगी जहाँ पे कैश ही चलता है। अगर आप आते तो कैश ही लेके आना, पेटीएम वगैरह नहीं चलता है वहाँ पे। एंड साथ में भाई आएँ, पापा आएँ और मम्मी आएँ, एंड साथ में आप अगल बगल का व्यू देख सकते हो और गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो अपनी। एंड बाकी है ना गाइस, आपको और बताएंगे आगे चलते हैं। एंड गाइस, आपको एक टिकट पड़ेगी 35 रुपीज़ की, यहाँ देख सकते हो आप। एंड पापा यहाँ से टिकट ले रहे हैं, पापा ने आपसे पूरी 4 टिकट लिए हैं। एंड गाइस, इसे है ना कोई टच मत करना, नहीं तो यहाँ पे लिखा है 500 फाइन है, यहाँ पर आपका 500 का फाइन लग जाएगा आपका। सबसे पहले तो गाइस आप देखो बहुत सारे हैं ना यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। एंड आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना तो बच्चों का झूलने का है, जहाँ पे बच्चे अपना इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। एंड अगर अंदर देखोगे ना तो बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए नहीं सबके लिए, अगर आप डिनर कर लंच करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप अंदर जाके कर सकते हो। एंड भेलपूरी वगैरह भी दिख जाएगी, एंड बच्चों के झूले वगैरह तो है ही अंदर की साइड। एंड बाकी है ना गाइस, मतलब अच्छा है सीन है अंदर का भी। अभी ना आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ पे पापा बुला रहे हैं अंदर, चलो। एंड गाइस, बच्चों को झूलना होगा तो इस पर ही झूल सकते हैं। वैसे हमारी है ना एज तो है नहीं कि हम झूले इन पे, नहीं तो हमारा तो मन करता है इन पे झूलने का, बट क्या करें झूल नहीं सकते। बाकी ऐसा एक और झूला है दूसरी टाइप का, एंड वहाँ पे कुछ बोट का झूला है, ट्रैम्पोलिन। एंड आप है ना अगर कुछ खाना चाहते हैं यहाँ से खा सकते हो, रेस्टोरेंट टाइप वगैरह है। एंड यहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे हैं आपको, वहाँ पे भेलपूरी मिल रही है, सब कुछ है। एंड यस गाइस, अगर आप चप्पल लेना चाहते हो ना, अगर आप देखोगे यहाँ आओगे ना अंदर जब पहुँचने वाले होगे नदी के पास, तो यहाँ देखोगे चप्पल भी ले सकते हो आप। वैसे तो अंकल कितने में है चप्पल? 10 रुपये गिरा। अच्छा एक जोड़ी दो। एंड गाइस यहाँ पे ना एक जोड़ी मिलेगी आपको चप्पल की 10 रुपये में किराया, ठीक है? आप यहाँ से चप्पल ले सकते हो अगर नहीं लाए हो तो। फिलहाल तो ना हम तीनों चारों लाए हैं चप्पल अपनी, देखो। जैसे कि देखो, मैंने भी पहन रखी, सूर्य ने पहन रखी और पापा और मम्मी ने पहन रखी, तो मैंने घर से चप्पल लेके आ रखी अपनी। यार अभी है ना हम मतलब आ चुके हैं रोबर्ट्स केव के पास, जो कि अपनी आज की टूरिस्ट प्लेस है। एंड आप देखोगे तो कितने यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हैं। एंड फिलहाल जो है पानी थोड़ा ठंडा सा है भाई, अभी देखना उतर जाना, इतना भी ठंडा नहीं है। इतनी एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करके दिखा रहा भाई कुछ ज़्यादा ही, इतना भी ठंडा नहीं है, ठीक है? अच्छा गाइस आप आके देख लेना कितना। हाँ भाई देख ले कितने लोग हैं, इनको तो नहीं लग रही ठंड, तेरे को लगी लग रही है। तो गाइस अभी है ना आप मेरे पीछे देखो, रोबर्ट्स केव है।
एंड रॉबर्ट्स केव इसे इसलिए बोलते क्योंकि जब मतलब अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों का कब्जा था यहाँ, तब है ना क्या हुआ था ना कि जब डाकू चोर जो भी होते थे ना, तो जो भी चोरी का सामान था ना, तब यहीं ला के छुपा के उनसे रखते थे यहीं पे। सो इसलिए इसका नाम रॉबर्ट्स केव है यहाँ पे। सो गाइस अभी है ना मैंने कैमरा सूर्य को पकड़ा दिया, एंड अभी है ना पापा मम्मी आ गए हैं। सो अभी है ना सबसे पहले हम आगे चलते हैं, एंड अभी मैंने कैमरा इसलिए पकड़ा है क्योंकि अभी ना आपको अच्छे से व्यू दिखाएंगे पूरा। चलते हैं पापा मम्मी के पास, चलो। अभी है ना आगे का देखते हैं, मैं ना आगे गया नहीं हूँ काफ़ी, क्योंकि एक बार है ना जून जुलाई में आए थे, एंड तब है ना इसका पानी बहुत ज़्यादा था, तब मतलब मैं बह के हम वापस जा रहे थे, तब पानी ना हमारे यहाँ तक आ रहा था कमर तक, तब इसलिए हम पूरा लास्ट तक जा नहीं पाए, बट आज पहली बार हम लास्ट तक जा रहे हैं क्योंकि अभी पानी कम है। एंड अगर आप ऊपर देखोगे ना पूरा, सो देखो वापस दिखाता हूँ मतलब ना वही बिल्कुल क्लोज है, एंड इसको देखो ये सस्ते ब्लॉगर को अलग ही ब्लॉगिंग करने में लगा है, आता कुछ नहीं है चाहे। एंड पापा भी आज ब्लॉगर बनने की ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या है सबको ब्लॉगर बनना है। एंड गाइस अगर आप ऊपर देखोगे ना वापस से, तो देखो यार पत्थर भी गिर रखे हैं यहाँ पे, मतलब पत्थर तो है ना बहुत टाइम पहले गिरे होंगे, बट बारिश में आने के लिए ना यहाँ पर रहने दो यार, क्योंकि पत्थर वत्थर गिर सकते हैं। एंड आगे की साइड भी कुछ है साइड से देखते हैं, आगे की साइड भी एक मतलब झरना टाइप है। सो गाइस आगे है ना नीचे भी कुछ है, पर देखते हैं क्या है, पीछे ही रह गए बाकी दो टूरिस्टर्स, पापा मम्मी पीछे ही, मैं मेरा भाई आए, वैसे नीचे ना ज्यादा लोग जाते नहीं है, पर फिर भी देखते हैं क्या है। गाइस आगे ना एक वॉटर फॉल है, अच्छा था देख। गाइज हम आ गए थे तो पापा मम्मी भी है ना आ ही गए यहाँ पे, एंड अभी ये लोग भी है ना वहाँ पे जाएंगे सीधा झरने पे। मम्मी को निकलने में दिक्कत यहाँ से, बड़े ही कष्टदायक रास्ते से, मैं आगे जाके आता हूँ। एंड गाइज यहाँ से ना और आगे जा रहे हैं, बट पापा मम्मी आ नहीं रहे हैं कोई भी, उनको मैंने पीछे छोड़ दिया, पता नहीं आगे कैसा रास्ता रहेगा, तो अभी ना मैं अकेला जा रहा हूँ, आगे देखता हूँ क्या है। रास्ता तो बड़ा खराब है गाइस, थोड़ा डर भी लग रहा है, कोई पत्थर वत्थर नहीं गिर गए हमारे ऊपर कोई। अरे मतलब रेस्टोरेंट है आगे भी एक, ओ भाई कहाँ है रेस्टोरेंट देख रहे हो, मतलब रियली गाइस तूने मतलब इसके पीछे भाई इनका काम कैसे चलता होगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही, मैं तो देखना चाहूंगा आगे है क्या अच्छे से, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गाइस यहाँ पे सच में यार। एंड गाइस यहाँ से ना वही झरना जाता है जहाँ पे हम अभी नीचे गए थे, यहाँ पे लोग हैं नीचे, एंड हम भाई हम झरने के ऊपर उसके जो अभी हमने नीचे दिखा था जो वाटरफॉल था, एंड यहाँ पे पत्थर पे ना आराम से पैर रखना होगा नहीं तो गिर जाएंगे यार फिसल के कहीं पे। एंड अभी पापा को बोल तो दिया कि अभी नहीं आ रहा, बट लेट्स सी कितना आगे तक जाएंगे, अभी हम कितना और बनता है आगे देखते हैं। एंड गाइस यहाँ पे भी है ना एक और मार्ग है, देखो ये पीछे ना यहाँ पे एक और मार्ग है, एंड आगे देखो है तो लोग मतलब ज़्यादा नहीं है, चार ही हैं, बट ऊपर पूरा देखो पहाड़ रोड जंगल, मतलब पूरा देखोगे ना बढ़िया लग रहा है वैसे तो, बट थोड़ा डेंजर है भी, देखो पापा भी गिर जाते बच गए, पापा लगी ऊपर देखते हुए चल रहे, पापा तो मेरे लिए आए ना भाई क्योंकि मेरे को कहीं खतरा ना हो कुछ ना हो, बट आगे देखते हैं। अरे मार्ग लगाए देखो, मैंने क्या बोल रहा मार्ग जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, देखो मार्ग हो रहा है। अरे कुछ नहीं चलो रियली यार, मैं ना पहली बार आया हूँ रॉबर्ट्स केव में इतना आगे तक, मैं तो आधे में ही चला गया था है ना पापा, जब वो जब बारिश का टाइम थी ना जो हम चले नहीं गए थे, बहुत खतरा होता है उस समय आना भी नहीं है। हाँ उस टाइम मत ही आओ गाइस, यहाँ मत आओ रॉबर्ट्स केव बिल्कुल मत आओ भाई, मैं तो बोलता हूँ नदियों की जगह से दूर ही रहो हर जगह से जहाँ पे नदियाँ हैं। हाँ एक सहस्त्रधार जा सकते हो आप वहाँ सही रहता है, बट यहाँ पे पत्थर वत्थर है ना ज़्यादा, तो मतलब पहाड़ खिसक सकता है, हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड पानी की ज़्यादा स्पीड भी आती है, और पानी की ज़्यादा स्पीड होगी ना तो पहाड़ भी खिसकने का डर रहेगा क्योंकि यहाँ पत्थर वत्थर ऐसी है, कोई भी झरने से पत्थर आगे लग सकता है आपको। एंड अभी तो आगे जा रहे हैं,
कहीं हमें वो डाकू चोर ना मिल जाए जो अंग्रेजों के टाइम पे थे यहाँ पे। वही डाकू चोर नहीं मिलेगा अभी, क्या पता अभी तो वो तो नहीं मिलेंगे पर उनकी आत्मा जरूर मिलेगी यहाँ पे अभी। बहुत लंबा है यार, देखो गाइस बट है ना गाइस मार्क मार्क आए जा रहे हैं, देखो वो रहा एक और सामने मार्क। तो जब तक मार्क रहेगा शिवम सिंह साथ में रहेगा इस नदी के, इस रॉबर्ट्स केव के। सो चलो एंड पापा लगी लगे हुए, कोई नहीं आता कोई नहीं आता। सामने दो बंदे गए हैं तो भाई हम भी जा सकते हैं अगर कोई जा सकता है। यहाँ मार्क लगाने भी तो कोई आया हुआ। अरे पापा यार रुक जाओ ना यार, जा रहा ना मैं भी, चुप रहो थोड़ी देर यार। नहीं और गाइस आगे देखो यार एक और रेस्टोरेंट है अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो। अरे यहाँ भी रेस्टोरेंट लगा हुआ है, वही देखो ना यहाँ रेस्टोरेंट लगा रहा। आप अलग ही डर रहे कि नहीं जाना नहीं जाना तो देख रहा है ना। हमारे साथ मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी को थोड़ा डर लगता है, थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होती है ना। बट सूर्या को इसलिए नहीं लाया क्योंकि मम्मी के पास ही छोड़ दिया उसे, वो भी थोड़ा डर पोगी है, आपने देखा होगा स्लाइड्स वगैरह पे उसे डरता ही है वो थोड़ा सा। इनका यहाँ देखोगे ना रिवर में ही है अपना रेस्टोरेंट कैफे जो भी है बोल सकते हो आप। अभी है ना फिलहाल देखे ना गाइस तो मार्क दिख नहीं रहा है आसपास, देखो आसपास है ना कोई मार्क है नहीं। अभी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर मार्क दिखता नहीं है तो वापस मुड़ जाएंगे अगर कुछ नहीं दिखता तो, क्योंकि नदी में चलना इतना सेफ नहीं है आगे तक, कुछ भी हो सकता है, पत्थर वत्थर कहीं से भी गिर सकता है। देखो आप पत्थर कैसे हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ना मौसम भी खराब हो रहा है अगर आप देखोगे तो, बारिश भी आ सकती है। एंड पापा मम्मी को बोल रहे हैं कि वहीं रहना क्योंकि ना पता नहीं है ना इतनी आगे तक है रोबर्स के, क्योंकि यार हम मैं बता रहा हूँ ना हम फर्स्ट टाइम आए हैं इतना आगे तक मेरे पापा। चलो भाई तभी है ना कैमरा पकड़ लेता हूँ मैं ताकि पापा अच्छे से आ सके। आ जाओ जाएगी, हाँ चलो सो अभी है ना गाइस मैं और पापा अभी मम्मी और भाई के पास जा ही रहे हैं, बस थोड़ा सी रास्ते में आधे रास्ते में है। एंड देखो रास्ता कैसा है, तो इसके वजह से ना अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि चोट नहीं आनी चाहिए सबसे पहली बात तो यार, क्योंकि चोट आएगी फिर घूम नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अरे आगे हो जाओ, मेरे को यहीं छोड़ दिया, आगे नहीं जा रहे, चलो आगे हो चलो। एंड मम्मी आ रही है, मम्मी यहाँ पे है एंड अंकल मिले हैं। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो बेटा, नमस्ते। ये तो गाइस हमारे वहीं के मिल गए, हरियाणा के हमारे वहाँ के पास के हैं, हमारे वहीं मिलते हैं हमें। गाइस अंकल जी यहाँ पे अपनी माँ के हाथ के बने हुए पराठे खिला रहे हैं। टेस्ट तो अच्छा है यार सच में। ये सामान तो दे दो, सामान तो मैं ले लूंगा भाई, वो सारे भाई अंकल को एस्टिमेट मत करना, कई घंटों खेलते हैं घंटों पर रहेगा तू भी ना। ना मैं तो जिम जाता हूँ बस। सो गाइस अभी रोवर्स के वजह अभी फिलहाल हम बाहर निकल रहे हैं, मैं और मेरा भाई और सब, मतलब सब निकल रहे हैं आगे, देखो सबके सब निकल रहे हैं बाहर। भाई हमारे गांव में ना एक मास्टर आ गया नया नया सा, बच्चों ने कहा भाई आज तू ये ले आइयो ये ले आइयो, भाई छोरे आज घंटा ले आइयो आज ये ले आइयो। क्लास में एक लड़का था रल्दू राम, मास्टर के लिए कदे कुछ न लाया। मास्टर ने कहा यार रल्दू यार तू कुछ नहीं लांदा, क्या मास्टर के लाऊंगा। एक दिन ना मास्टर के लिए खीर ले आया, वो मास्टर कहता है भाई रल्दू आज खीर कुकर ले आया तू, आज तक तो कुछ लाया नहीं तू,
हैं, आज खीर खीर कुकर ले आया। हाँ। क्या मास्टर जी ना पूछो बस खा लो आप। क्या ना भाई बता दे, क्या मास्टर जी खा लो ना। मास्टर बोला भाई रल दू बता दे। क्या मास्टर जी खा ले ना, ना भाई बता दे। क्या मास्टर जी बात नू थी, रात ने माँ ने खीर रान दी थी, वो कुत्ता मुंह मार गया। माँ फेंके थी। मैंने कहा माँ क्यों फेंका है, मास्टर जी खा लेंगे। हैं? अरे कुत्ता के जूठी खीर ले आया रे तू मेरे खातर। मास्टर ने रल्दू का एक मुंह पे थप्पड़ मारा और खीर फेंक दी। अंडिया में लाया था, अंडिया में। रल्दू रोन लग गया। इतने में हेडमास्टर आ गया। भाई रल्दू क्यों रोवे है? कहते हैं जी मास्टर जी ने मेरी अंडिया फोड़ दी, बापू मारेगा मेरा। भाई की बात होगी, बापू क्यों मारेगा? कह जी बात नू है, इस अंडिया में मेरा बाबू रात ने मुत्ता करे। भाई मतलब हरियाणवी जोक सुनाया ना, हरियाणवी चुटकुले। उसके बाद मास्टर जी ने किसी से कुछ ना मंगाया। बच्चा मेरे जैसा ही होगा ना भाई। शिवम भाई जैसा। आओ बच्चे। हेलो। ये ब्लॉग बनाता है तो पापा ने दो चार चुटकुले सुना रहे हैं। रल्दू राम के साथ सुना दिया उसे। बढ़िया पापा हुआ, एटलीस्ट यही कह रहे थे। हमने कहा पापा हमारे वायरल वायरल हो जाएंगे तो बढ़िया। अपना तेरा ओके जी। क्यों भाई समझाए? मैं 53 साल का हो गया। पहलवान कैसे लग रहे हैं? टेंशन फ्री रहो अपने मौज में, बहुत अच्छी बात है। जब होगा जब देखी जाएगी। बिल्कुल पेड़ से ऊपर से डांग मार दिया कर दे। हम पेड़ से डांग मारते हैं ऐसे डाइव और फिर नहर में। नीलंदन तो नहीं जाना अभी, इंडिया में ठीक है। टूर वगैरह में जाएंगे ना, परमानेंट थोड़ा जाना है, पढ़ना इंडिया में ही है। ऐसे कर वीजा बना ले, मैं भी जा रहा हूँ मई में। अच्छा 21-22 मई को जा रहे हैं, बना ले इसको वीजा। तो नहीं नहीं ये आप जा रहे हैं ना? मैं जा रहा हूँ, उसका तो वीजा है। तो आपका टूरिस्ट बनेगा इसको, वो मिलेगी ना डिग्री मिलेगी। अच्छा आपका टूरिस्ट हो जाएगा। तो आप जाओगे ना तो ये टूरिस्ट मिलेगा 1-2 महीने के लिए, 6 महीने का होता है। अच्छा अच्छा में आएंगे 3 दिन में। आ जा जी अंकल आएंगे। पक्का? ठीक है आ जा 2-3 दिन में। अभी नहीं बाद में आएंगे 1-2 दिन में, फिर देखते हैं। अंकल जिद कर रहे कि आओ जरा उल्टी आओ। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। बहुत मजा आ गया आज, मतलब अंकल ने जोक्स भी सुनाए हरियाणवी में, मतलब मजा आ गया। पर भाई कहाँ जा रहा? क्यों मेरी मर्जी में मेरा कैमरा और क्या। फाइनली है ना अभी हम घर भी आ चुके हैं एंड अभी है ना सीधा मैं निकलता हूँ जिम के लिए। सो चलो इधर इधर। आज गाइस चेतन भी आया जिम में, कैसा लग रहा है भाई? आज का फर्स्ट डे है ना, इसको फर्स्ट डे को देखो मत कर यार। तो गाइस अभी देखोगे तुम चेतन की सवारी, अभी देखना सीढ़ी से कैसे उतरेगा। या या माय बॉय। अरे गाइस ये गिर भी सकता है यहाँ, वैसे तो हमारी भी हालत कमजोर है बट इतनी नहीं है क्योंकि इसका ना फर्स्ट डे है। गाइस यही होता है लेग डे के बाद, और वो भी चेतन जैसा कमजोर इंसान करे तो बेटे गिर जाएगा पैर फिसलते ही। रोड पे पकड़ लिया क्योंकि है ना हम नहीं चाहते कहीं कुत्ते गिर के मर जाए और मेरे साथ जिम आया तो मेरे नाम ना हो जाए कहीं।
कैसे लग रहा है भाई, बताओ ना कुछ अपने बंदों को। बॉडी बनी है, बॉडी लेग की। सो गाइस अभी फिलहाल जिम से आ चुका हूँ घर पे, एंड आज था लेग डे तो यार बड़ी हालत खराब हुई। चलो कोई नहीं, अभी ना गाइस आप कमेंट जरूर करना कि आज का लोग आपको कैसा लगा, एंड आज कुछ छुपाने गए थे, कल ट्राई करेंगे कि कैंपटी फोल जाए, एंड कमेंट पक्का करना यार आज कि आपको लोग कैसा लगा। सो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।